तरह से एक SCS अधिकारी जो DTO है उनको भी जो है गिरफ्तार किया जाता है। RTA डिपार्टमेंट का एक बड़ा रिश्वतखोरी का बड़ा मामला जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एक और अधिकारी जसमेर आप देख सकते हैं जो MVO करनाल है, बड़ा रिश्वतखोरी का मामला। बड़ी खबर देख सकते हैं विजिलेंस कार्यालय से जहां पर SCS अधिकारी आप देख सकते हैं DTO तरह से एक SCS अधिकारी जो DTO है उनको भी जो है गिरफ्तार किया जाता है। RTA डिपार्टमेंट का एक बड़ा रिश्वतखोरी का बड़ा मामला जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एक और अधिकारी जसमेर आप देख सकते हैं जो MVO करनाल है, बड़ा रिश्वतखोरी का मामला जिसमें जो है विजिलेंस विभाग के अधिकारी कर्मचारी अभी यमुनानगर क्या कहना चाहेंगे अभी यमुनानगर पेश कर रहे हैं तो क्या कुछ निकला था सर इस मामले में जो रिमांड कॉल कर रहे हैं फिर देखते हैं कौन अधिकारी हैं दोनों। अभी ये HCS है, एक DTO रमित यादव और इंस्पेक्टर जसमेर MVO यमुनानगर वाले मामले में गिरफ्तार किए हाँ उसी में। तो आप देख सकते हैं बड़ी खबर इस समय किस तरह से आरोपियों को इस समय लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर MVO जसमेर और DTO HCS अधिकारी नमित यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है विजिलेंस कार्यालय से। आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से आरोपियों को विजिलेंस की जो टीम है वो लेकर जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से विजिलेंस कार्यालय से करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर से बड़ी कामयाबी विजिलेंस टीम को हाथ लगती है। विजिलेंस की तमाम गाड़ियां इस समय आप देख सकते हैं यमुनानगर के लिए रवाना होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यमुनानगर में एक केस दर्ज होता है। पहले वहां के जो RTO थे सुभाष, जिनके पास करनाल का भी चार्ज था, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके साथ दलालों की गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं दौराने जांच जो MVO करनाल है जसमेर और एक अन्य अधिकारी SCS लेवल के अधिकारी DTO उसको गिरफ्तार किया जाता है। आप ये लाइव तस्वीरें समय विजिलेंस कार्यालय से आप देख सकते हैं। हम आपको उन दोनों की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। अपने आप में विजिलेंस करनाल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। जी हाँ, विजिलेंस करनाल को अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। तो ये लाइव तस्वीरें समय विजिलेंस कार्यालय से आप इस समय देख सकते हैं जहां पर यमुनानगर कोर्ट में पेशी के लिए विजिलेंस की टीम इन समय दोनों अधिकारियों को लेकर यहां से रवाना हुई है। ये MVO जसमेर की तस्वीर है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। MVO जसमेर की तस्वीर है जो करनाल के RTA दफ्तर में कार्यरत है, और ये SCS अधिकारी हैं, SCS अधिकारी नमित यादव जिनका नाम है, जो DTO थे। और आप देख सकते हैं अपने आप में एक बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, जो DTO है उनके पास जो है अंबाला का चार्ज था, अंबाला और पंचकुला का चार्ज था। और अपने आप में एक बड़ी खबर यमुनानगर में जो RTO की गिरफ्तारी होती है उसके बाद दौराने जांच इन दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें सीधे तौर पर जो MVO करनाल है, जो अधिकारी करनाल है RTO दफ्तर के जसमेर, उन पर आरोप यह है कि किस तरह से वे कलेक्शन का काम किया करते थे, पैसे लिया करते थे। तो अपने आप में एक बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। तो हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। विजिलेंस कार्यालय करनाल से इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे सहयोगी मानसू नारंग इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे। यमुनानगर का RTA विभाग का मामला एक बड़ा कमीशनखोरी का, जिसमें दो और अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है। एक DTO अंबाला बताए जा रहे हैं जो SCS अधिकारी हैं, और एक करनाल के अधिकारी हैं MVO जसमेर जिनका नाम है। क्या कुछ इस मामले में जानकारी और क्या बताना चाहेंगे? देखिए कमल, एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक के बाद एक अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं, एक के बाद एक दलाल गिरफ्तार हो रहे हैं। पहले चार दलाल गिरफ्तार होते हैं, विजिलेंस की टीम उन दलालों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि वो दलाल ओवरलोडेड जो वाहन है या हाइट वाहन है या फिर जो खनन के ट्रक थे उन्हें जाने दिया करते थे, और ऐसे में उनसे दलालों से पैसे ले लिया करते थे, दलाल पैसे ले लिया करते थे। तकरीबन 36 लाख रुपए उन दलालों के पास से बरामद हुए थे। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, रिमांड लिया जाता है, और रिमांड के बाद RTO सुभाष की गिरफ्तारी होती है। यमुनानगर का वो RTO अतिरिक्त चार्ज उसके पास करनाल का भी था, और ऐसे में जब एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है सुभाष को गिरफ्तार करने के बाद, तो 30 लाख रुपए उसके पास से भी बरामद होते हैं। तकरीबन 66 लाख रुपए की राशि विजिलेंस की टीम बरामद करती है। यहां पर पूरा मामला खत्म नहीं हुआ था, अभी जांच जारी थी। सुभाष को रिमांड पर ले लिया गया था, और सुभाष को रिमांड पर लेने के बाद दो और अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है। एक का नाम रमित है जो अंबाला का DTO था, और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि सबूत उसके खिलाफ थे, और जांच के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है क्योंकि तमाम सबूत उसके आ गए थे, और ऐसे में गिरफ्तार करना लाजमी था विजिलेंस की तरफ से। और एक और
अधिकारी गिरफ्तार होता है, एमवीओ करनाल इंस्पेक्टर जिसका नाम जसमेर है, और दोनों की गिरफ्तारी हुई है। ओवरलोडेड जो वाहन है उन्हें जाने दिया करते थे, साथ ही साथ जिनकी हाइट वाहन की ज्यादा होती है यानी कि जिनमें ज्यादा सामान भरा हुआ होता है उनसे पैसे लेते थे, उनके मालिकों से पैसे लेते थे, उनके ट्रक चालकों से पैसे लेते थे और उन्हें जाने दिया करते थे, और यही राशि लगातार एक के बाद एक ये इकट्ठी करे जा रहे थे। और अब दो और गिरफ्तारी हुई है, उम्मीद है कि जब रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद विजिलेंस की टीम रिमांड लेगी, और जब रिमांड लिया जाएगा तो उसके बाद और कुछ अधिकारी और कर्मचारी फंस सकते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि एक पूरी चेन थी, एक पूरा गिरोह था और उस गिरोह का भंडाफोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखना यह होगा कि विजिलेंस जब इन दोनों अधिकारियों से पूछताछ करेगी रिमांड के दौरान, क्योंकि गिरफ्तार तो हो चुके हैं, और जब रिमांड के दौरान इन दोनों से पूछताछ होगी तो और कौन कौन से जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इस जाल में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बड़ी खबर देख सकते हैं, विजिलेंस करनाल ने एक और SCS अधिकारी DTO अंबाला नमित यादव को गिरफ्तार कर दिया है। आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं RTO मामले में। एक दूसरी फोटो में आपको दिखाना चाहूंगा, MVO करनाल जसमेर को भी विजिलेंस करनाल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। RTO जो यमुनानगर के सुभाष थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, उसी मामले में ये दो गिरफ्तारियां हुई हैं, और इस समय विजिलेंस कार्यालय में मौजूद है जहां पर विजिलेंस के इंस्पेक्टर सचिन इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सर क्या बताना चाहेंगे, जो RTO की गिरफ्तारी हुई थी जो सुभाष थे, उनके बाद दो और अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, एक SCS अधिकारी है और एक MVO करनाल जसमेर है, क्या कुछ पूरा मामला और क्या बताना चाहेंगे सर? कुछ दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था, जो DTO यमुनानगर है सुभाष जी वो अरेस्ट हुए थे, उनसे पहले उनके जो पांच छह जो एजेंट्स अरेस्ट हुए थे वो एक रेड हैंडेड थे उनमें, और बाकी उसमें इन्वेस्टिगेशन में जैसे एकदम कड़ी दर कड़ी जुड़ते गए और आगे वो लोग अरेस्ट हुए। फिर उनके डिस्क्लोजर्स में ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान और बाकी सब चीजें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जुड़ते गए और ये बात फिर इन्वेस्टिगेशन में आई। आज का जो अपडेट है वो ये है कि जो गाड़ियां, जो ट्रक्स ओवरलोड कहें या फिर ओवरलोड ये माइनिंग मटेरियल वाली और ओवर हाइट वाली जो ये बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रॉलीज वगैरह चलती हैं, ये लोग कमर्शियल व्हीकल्स, मैं कहूँगा इनको कमर्शियल व्हीकल्स, जितने भी यमुनानगर से चल के फिर अम्बाला को, पंचकुला को, करनाल को जो भी क्रॉस करते हैं, उन सब को दलालों के माध्यम से उनसे मंथली इकट्ठी करके, ट्रांसपोर्टर्स हों चाहे वो व्हीकल ऑनर्स हैं, उनसे वो मंथली इकट्ठी करके फिर ये RTO साहब के पास जाती थी। जो जो DTO हैं, DTO जो पहले सुभाष अरेस्टेड हैं उनके लिए करनाल से इंस्पेक्टर जसमेर हैं जो यहाँ MVO तैनात थे, वो इकट्ठी करके और फिर वो DTO सुभाष जी को देते थे, और ये बात फाइल पे आई तो आज उनको अनुसंधान के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार दूसरे जो DTO अंबाला हैं रमित यादव जी जो HCS अधिकारी हैं, और उनके पास फिलहाल जो पंचकुला का और अंबाला का और यमुनानगर का भी अभी कुछ दिन पहले उनको चार्ज दे दिया गया था, तो वो भी इसी प्रकार से जो एजेंट्स वहाँ कनेक्टेड थे, ऐसे ही कुछ एजेंट्स यहाँ जो पास ऑन करके लेके जाते थे अपनी गाड़ियाँ, उन लोगों से मंथली इकट्ठी करके और ये सारा नेक्सस चला रहे थे, जो इसमें आज उनको शामिल जांच करके और उनको आगे अरेस्ट कर दिया गया। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे रिमांड कॉल करेंगे, उसके बाद देखिए, एक पहले एजेंट्स का गिरफ्तार होना, उसके बाद DTO का गिरफ्तार होना, उसके बाद आज MVO जो करनाल है वो गिरफ्तार, एक और DTO गिरफ्तार होना, तो That's clear के बिग नेक्सस है, उसको क्रैक कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि विजिलेंस के DGP भी शत्रुजीत कपूर है और ये DTO का डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, क्या लगता है? सॉरी, who said DTO डिपार्टमेंट इज विद देम? किसने कहा? जो प्रशासनिक जो है, नहीं वो, सॉरी वो अलग इशू। तो बिल्कुल इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। स्टेट विजिलेंस करनाल के कार्यालय से बड़ी खबर देख सकते हैं इस समय।
किस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे। दो अधिकारियों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हंसता हुआ चेहरा, ये डीटीओ साहब है, नमित यादव जी हैं, जो एक एचसीएस अधिकारी हैं। अंबाला का इनके पास चार्ज था और किस तरह से जो गड़बड़ घोटाला चलता है, ओवरलोड माफिया का गड़बड़ घोटाला चलता है, उसमें ये भी शामिल पाए गए हैं। जो आरटीए सुभाष की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास करनाल का भी चार्ज था, उस मामले के बाद जो है ये गिरफ्तारियां हुई है। एक और गिरफ्तारी जो आप देख सकते हैं, इस समय आराम से फुर्सत के क्षणों में बैठे हैं, ये है जनाब एमबीओ साहब, एमबीओ करनाल है, जसमेर जिनका नाम है। बड़े लेवल पर रिश्वत चलती है आरटीओ डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो तीन लोग शामिल हैं, करनाल में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आरटीओ विभाग में और भी बहुत भरे हुए हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या अब उनकी भी गिरफ्तारी होगी, क्या दोहराने रिमांड, क्या उनके भी नाम शामिल आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इस समय विजिलेंस कार्यालय करनाल से, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि विजिलेंस करनाल, स्टेट विजिलेंस करनाल शाखा को अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। पहले दलालों को गिरफ्तार किया गया था, 5 से 6 दलाल गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद सुभाष जो आरटीए थे, जिनके पास करनाल यमुनानगर का भी चार्ज था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद एक और किसी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब दौराने जांच रिमांड लिया गया एक एक का, तो कई चीजें निकलकर सामने आई कि जो ये एमबीओ हैं, जसमेर जिनका नाम है, ये भी करनाल से अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया करते थे, कलेक्शन का पैसा इकट्ठा किया करते थे। गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को, ये आरटीए विभाग में जब भी कभी आप जाते थे तो ये एमबीओ थे, ऑफिसर थे आरटीए विभाग में, जसमेर नाम था, और ये एससीएस अधिकारी हैं, नमित यादव इनका नाम है, डीटीओ थे अंबाला में, पंचकुला का भी चार्ज था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर करप्शन होती थी, बहुत बड़े लेवल पर करप्शन होती थी। और ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के विजिलेंस कार्यालय से आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, क्योंकि विजिलेंस करनाल को अपने आप में एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें दो और रिश्वतखोर अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। और इस समय विजिलेंस कार्यालय से आप ये लाइव तस्वीरें हमारे साथ देख रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।